पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जानना चाहेंगे सबसे पहले कितना स्मार्ट हुआ है आपका शहर? हमारा शहर इतना स्मार्ट हुआ है कि पहले हमें सड़कों पर चलने में आसानी होती थी, और अगर हमें कहीं जाना होता था तो ओरे धोरे तो 10-5 मिनट में पहुंच जाते थे। आज हमें जाना होता है तो हमें कुछ नहीं पता कितनी देर में पहुंचे भी या ना पहुंचे। हमारा शहर अब इतना स्मार्ट हो गया है, और साथ साथ में इस जाम की वजह से सारा कारोबार नष्ट हो गया है। यही हाल रही तो शहर मुरादाबाद शहर से बाहर चला जाएगा। 2014 से 2019 तक कितना विकास हो गया? विकास जो सुपर सिटीजनों के हिसाब से, तो जो आजकल के मालदार लोग हैं, नेता लोग हैं, प्रशासन में है, आज इन्हीं का विकास हुआ है। बाकी शहर में तो हमें विकास हुआ नहीं है, क्योंकि शहर का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहर में जाम है, लोग शहर में आते नहीं। कैसा शहर चाहते हैं? कौन नहीं चाहता कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, और ख़ास तौर से सुपर सिटीजन तो यही चाहते हैं कि वो आराम से अपने शहर में घूमें, खरीदारी करें, हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं आराम से घूमें, उन्हें किसी बात का डर ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और जब शहर में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, और सफाई नहीं है, और कोई सुरक्षा ही नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता। हम अपने प्रशासनिक अधिकारी और अपने नेताओं से ये कि वो अपने को समझें, कफन में कोई जेब नहीं होती, जो पैसा रख के ले जाए, जो पैसा पब्लिक के लिए शहर में लगाने के लिए मिले उसे लगाए। मुरादाबाद शहर तो वैसे का वैसे ही है शहर, खाली अंदर का स्टेशन के पार, रामगंगा पार, इधर काफ़ी स्मार्ट हुआ। 2014 से 2019 तक कितना विकास कार्य हुआ? काफ़ी विकास भी हुआ है, तरक्की भी हुई है, पैसा भी खूब आ रहा है विकास के लिए, लगा भी रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी है ही। कैसा विकास, कैसा शहर चाहते हैं आप? स्मार्ट शहर, जैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बन रहे हैं, शहर के बाहर कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें लोग महंगे से महंगे मकान खरीद के रह रहे हैं। शहर स्मार्ट तो अभी कुछ नहीं हुआ है, समझिए गंदगी बहुत है, सड़कें सब टूटी हुई हैं, क्या नाम है, व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। 2014 से 2019 तक कितना विकास कार्य हुआ? विकास कार्य तो पेपरों में है ये बस, बाकी तो जमीन पर कुछ नहीं। कैसा शहर चाहते हैं आप? हर आदमी स्वच्छ शहर डेवलपमेंट चाहता है, सफाई सुथराई, अच्छा शासन। देखिए शहर तो कोई स्मार्ट नहीं है, बहुत गंदगी, जो हमने पीछे भी कहा था, सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे गंदा शहर मुरादाबाद आपका है, जहाँ मेयर रहते हैं वहाँ पर ही गंदगी है। 2014 से और 2019 तक अब कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, खाली जो है भाषणबाजी हुई है, और चौकीदार अपने आप को कहते हैं, चौकीदार नहीं है, उन्होंने सब पूरा देश पूरा मुरादाबाद लूट के खा गए। जनता आज खुले होकर समर्थन कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसा चाहते हैं आप अपना शहर? देखिए शहर अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो आपका पुल है वो पूरा बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर कोई एजुकेशन हब नहीं है, इतना बड़ा महानगर है आपके पास में, जो है पहले आश्वासन दिया था यूनिवर्सिटी बनेगी, आज तक नहीं बनी। और तो और जो मैं समझता हूँ कि गली में जो है सड़कें वो जो बन चुकी हैं वो बार बार बन रही हैं, नई सड़क कोई नहीं बन रही। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। जानना चाहेंगे कि कितना स्मार्ट हुआ है अब तक आपका शहर? मुरादाबाद बहुत स्मार्ट हो चुका है। देखिए जैसा कि पिछली सरकारों में आपने देखा कोई शहर के अंदर विकास नहीं था, इस बार विकास की अपार गंगा बह रही है, और हमारा शहर बहुत विकास की अग्रसर है। 2014 से 2019 तक कितना विकास हुआ शहर में? बहुत हुआ है, ये तो जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है क्या पहले था और आज क्या है, क्योंकि पहले सपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में जो कुछ नहीं हुआ वो भाजपा की सरकार में हुआ। कैसा शहर चाहते हैं आप? शहर स्मार्ट होना चाहिए, शहर और पहले से ज़्यादा तरक्की हो, मेडिकल कॉलेज वगैरह होने चाहिए अपने शहर में। शहर में तब्दीली तो है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है और केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, तो केंद्र की जो राशि आती है उत्तर प्रदेश के लिए उसको उसका आवंटन हो रहा है, और उस हिसाब से जो है परिवर्तन तो नज़र आ रहा है।
लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना अभी नहीं हुआ। 2014 से 2019 तक कितना विकास हुआ? 2014 से और 2019 तक राष्ट्र के लिए देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त विकास हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए होंगे जो राष्ट्र के लिए होने चाहिए थे। शहर में कितना काम? शहर के लिए भी कुछ काम हुए होंगे, कुछ पुलों का निर्माण हुआ है, ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो रेलवे से पास योजनाएं नहीं हो रही थी वो योजनाओं को हमारे सांसद महोदय पास करा के लाए हैं, उसमें धन लेके आए हैं, और जो काम काफ़ी समय से अटके हुए थे वो काम जो है प्रगति पे हैं। इसके अलावा कैसा शहर चाहते हैं हम? शहर को साफ सुथरा होना चाहिए, और शहर में और भी बहुत कुछ काम करने की गुंजाइश है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, शहर के लिए विकास के काफ़ी गुंजाइश है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए ख़ास तौर से रामपुर दिल्ली रोड पे एक ओवरहेड पुल का जो है निर्माण की बहुत ज़रूरत है, और वो निर्माण अगर हो जाएगा तो उससे काफ़ी शहर को जो है असर पड़ेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, जानना चाहेंगे कितना स्मार्ट हुआ है अब तक आपका शहर? नहीं हुआ। 2014 से 2019 तक कितना विकास हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, शहर की सड़कें सारे गड्ढों से भरी हुई हैं। क्या कैसा शहर चाहते हैं आप? स्मार्ट चाहते हैं। क्या होना चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए। आपके शहर में और क्या होना चाहिए था? हमारे शहर में क्या होना चाहिए? हमारे शहर में जो ये सांसद साहब हैं ये बदलने चाहिए, कोई अच्छा सांसद आना चाहिए, युवा आना चाहिए कोई। क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। करीब 40% स्मार्ट हुआ है। इन 5 वर्षों में 2014 से और 2019 तक कितना विकास कार्य हुआ? आधा हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। कैसा शहर चाहते हैं आप? बिल्कुल साफ सुथरा, चंडीगढ़ की जैसे।